हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चीन ने छोड़ा सुलह का राग, सेना ने कदम लिए पीछे, सीमा विवाद खत्म करने 6 जून को मिलेंगे भारत चीन के जनरल, पूर्व की स्थिति बहाल करने का प्रस्ताव दे सकता भारत। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारत और चीन 6 जून को सैन्य वार्ता का नया दौर शुरू करेंगे। पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक स्तर के अधिकारियों की इस बातचीत में दोनों देश चर्चा के लिए विशेष प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। भारत की ओर से लेह में तैनात 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी समक्ष से बातचीत करेंगे। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि भारत बातचीत के लिए क्या मसौदा पेश करेगा। भारत दोनों पक्षों के सभी इलाकों में पूर्व की स्थिति बहाल करने का प्रस्ताव दे सकता है। सीमा विवाद हल करने दोनों देशों के सैन्य अफसरों ने बीते मंगलवार को भी बात की थी। अब तक इसे लेकर 10 से ज्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है क्योंकि दोनों ओर से जमीनी हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है। बताया जा रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 5,000 से ज्यादा सैनिक और बख्तरबंद वाहन गलवान घाटी के पास मौजूद हैं। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। इस बीच करीब 1 महीने से पूर्व लद्दाख सेक्टर में जारी सीमा विवाद के बीच पहली बार चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। करीब 1 महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रमण रुख अपना रही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले 3-4 दिन से कोई बड़ी हलचल नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना एक जगह पर अपनी पहले की स्थिति से करीब 100 मीटर पीछे हटी है, वहीं बाकी जगहों पर भी पिछले कुछ दिनों से उसका आक्रमण रुक नहीं दिख रहा है। चीनी सेना के रवैये में ये बदलाव 6 जून को प्रस्तावित दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों की बैठक से ठीक पहले आया है। इसे सीमा विवाद निपटने की देश में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जागरूक टीवी की खास पेशकश।